रात तक जागते हैं सीएम, मुस्तैद रहते हैं मंत्री और ऑफिसर, और दिन में ही सो जाते हैं कुछ पुलिस वाले। दादा सो रहे हैं ड्यूटी के सब। पुलिस को जगाइए योगी जी। उत्तर प्रदेश में निजाम बदलने के बाद इंतजाम भी बदलने लगे हैं, लेकिन कुछ लापरवाह पुलिस वाले अपना रवैया बदलने को तैयार ही नहीं है। जैसे उन वर्दी वालों ने कसम खा रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। आप भी देखिए कैमरे में कैद कुछ ऐसे ही पुलिस वालों की दास्तान। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, घड़ी के काटे भागे। नींद की गिरफ्त में पुलिस वाले, जीप में ही आ गई झपकी। सुबह हो गई मामू, 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 सुबह हो गई मामू। ड्यूटी पर सो गए कानून के रखवाले, पुलिस को जगाइए योगी जी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ फुल एक्शन में है योगी सरकार, आराम छोड़कर घंटों काम में जुटे रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ पूरी तरह मुस्तैद हैं सरकार के तमाम मंत्री और बड़े बड़े अफसर, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने जैसे कसम खा रखी है चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। जीवन है एक बैंक, पल पल को गिनता। कुछ लापरवाह पुलिस वालों के ऐसे ही रवैये की गवाही दे रही हैं कन्नौज की ये तस्वीरें। कैमरा में कैद ये पुलिस वाले कन्नौज में हाईवे फर्स्ट टीम में तैनात हैं। पुलिस की गाड़ी में अगली सीट पर चश्मा लगाकर सो रहे हैं ड्राइवर विनोद कुमार, और पिछली सीट पर झपकी ले रहे हैं कांस्टेबल अनिल कुमार यादव। ऐसा लगता है कि दोनों इस दीन दुनिया से पूरी तरह बेफिक्र होकर घोड़े बेचकर सो रहे हैं। सुबह हो गई मामू, मामू, रे मामू। जगाने की कोशिश हुई तो पहली बार में तो उनकी आंख ही नहीं खुली, लेकिन मीडिया का कैमरा देखकर सारी नींद फुर्र हो गई। दादा सो रहे हैं ड्यूटी के सब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ड्यूटी के समय सो रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको? ड्यूटी के समय सोना चाहिए। दादा आप ड्राइवर हैं? अच्छा, क्या रात में नहीं सोए थे? नहीं, क्या रात में नहीं सोए थे? रात में सोते हैं, काम भी करते हैं। फिर दिन में क्यों सो रहे थे? कौन सो रहा था? आप नहीं सो रहे, आप भी सो रहे थे, आपका साथी भी सो रहा था। इस हाईवे पर कोई आपराधिक वारदात हो जाए या कोई बड़ा हादसा, स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी हाईवे फर्स्ट टीम के कंधों पर होती है। लेकिन गाड़ी में बैठे झपकियां ले रहे इन पुलिस वालों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून के रखवाले अपनी जिम्मेदारी को कितनी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस टीम के इंचार्ज भी गाड़ी में ही मौजूद थे, उसके बावजूद दो पुलिस वाले ड्यूटी पर ही सो रहे थे। इस बारे में जब टीम इंचार्ज से बात की गई तो सो रहे पुलिस वालों के खिलाफ कागजी कार्रवाई की बात करने लगे। कौन सी टीम है? एक्शन फर्स्ट है। एक्शन फर्स्ट में कितने लोग हैं? एक्शन फर्स्ट नहीं, हाईवे फर्स्ट। हाईवे फर्स्ट में कितने लोग हैं? तीन लोग हैं, एक ड्राइवर, एक मैं हूँ, एक सिपाही, एक ड्राइवर और एक सिपाही है। तो सिपाही ड्यूटी के समय सो रहा था, आपने भी जगाया है, जगाया आपने, तो क्या कहेंगे इस ड्यूटी को? ड्यूटी के समय सोना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। गलती है इनकी, क्योंकि जिस जगह पे आप ड्यूटी कर रहे हैं उस जगह एक संदिग्ध एरिया है, हाईवे। टीम इंचार्ज की बातें सुनकर साफ लग रहा है कि ड्यूटी पर सोने वालों के खिलाफ सिर्फ एक्शन नहीं होगा बल्कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी। सवाल यह है कि जो पुलिस वाले खुद ड्यूटी पर सो जाते हैं वो भला गुंडे बदमाशों के दिल में कानून का खौफ कैसे पैदा करेंगे?
जब तक खुद पुलिस वाले नहीं सुधरेंगे तो कानून व्यवस्था क्या खाक सुधरेगी? लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए सीएम तमाम आला अफसरों को ऑर्डर दे चुके हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर सीएम के आदेशों को एक सरकारी चिट्ठी के जरिए हर थाने तक पहुंचा चुके हैं। अब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी तो उन पुलिस वालों की ही है जो प्रदेश भर के थानों और पुलिस चौकियों में तैनात हैं। सच्ची घटना के लिए कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वो लड़की डर के साए में जी रही है। डर है मोहब्बत के दुश्मनों का, डर है मजहब के ठेकेदारों का, और डर है तीन तलाक का। उस लड़की का कहना है कि तीन तलाक के डर से ही उसने अपना मजहब बदल कर की है लव मैरिज। तीन तलाक के डर से लव मैरिज, तो तीन तलाक तलाक कह के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। एक लड़की की अनोखी लव स्टोरी, हो गई प्यार की जीत। तीन तलाक के डर और प्यार में जीत की ये सच्ची घटना है यूपी के बागपत की। बागपत के नजदीक एक गांव में रहने वाली खैरून ने ट्रिपल तलाक के डर से ऐसा कदम उठाया जिस पर मजहब के ठेकेदारों की भौहें तन गई हैं। खैरून ने अपने प्रेमी दीपक के साथ लव मैरिज की। अपने प्यार को पाने के लिए उसने अपना धर्म तक बदल डाला और खैरून से बन गई खुशबू। ये अपनी मर्जी से आई है, हमारा प्यार 3 साल से चल रहा था। ये इनके घर को पता है, तो ये इनके घर को ने हमारे घर को कहा जी अब इसको मना लो, इनको जान से मार दी। धर्म परिवर्तन का मामला क्या है ये जी? इसने फैसला किया जी हम दोनों ने कि ये अपना चैन करेगी, चैन करेगी धर्म। तो जी हमने गाजियाबाद से धर्म चेंज करवाया जी इसका, तो ये अब हिंदू बन गई है जी। दीपक और खैरून एक ही गाँव के रहने वाले हैं। अलग अलग मजहब और एक ही गांव का मामला होने की वजह से दोनों के परिवार वाले शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन दीपक और खैरून उर्फ खुशबू ने धर्म और जाति की दीवार गिराकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इन दोनों के लव मैरिज की खबर लड़की के घर वालों तक पहुंची तो उनके सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि वो उन्हें जान से मारने की धमकियां देने लगे। धमकियों से डरे सहमे दीपक और खैरून और खुशबू ने कोर्ट पहुंचकर पुलिस सुरक्षा के लिए फरियाद लगाई। इस बीच लड़की के घर वालों को कहीं से इस बात की खबर लग गई और फिर उन्होंने अदालत परिसर में ही दोनों पर पेचकस से हमला कर दिया। ये यहाँ पर आई है तो इसके घर वालों ने हमला कराया और मारने की धमकी दे रहे हैं हमें भी और हमारे परिवार वालों को। दीपक के साथ गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी करने वाली खैरून और खुशबू का कहना है कि शादी जन जन का बंधन होता है, जबकि उसके अपने मजहब में सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलकर इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाता है। कह रही थी कि हमारे धर्म में 3 तलाक वाला जो प्रकरण चला हुआ है तो 3 तलाक कह के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, इसलिए मैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में मैं जाना चाहती हूँ। और शादी उसने दीपक के साथ में शादी कर ली और वो अब दीपक के साथ बहुत अच्छी तरह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। 3 तलाक के डर से लव मैरिज करने वाली खुशबू और उसके पति दीपक पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही नवविवाहित जोड़े को अदालत में पेश किया गया जहां से बयान दर्ज होने के बाद उन्हें उनकी मर्जी पर दिल्ली छोड़ दिया गया। खैरून या कहें खुशबू के इस कदम ने देश में 3 तलाक की बहस को और तेज कर दिया है। सच्ची घटना के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। दिल्ली के उस पार्क में हर शाम भीड़ लगी रहती है, बच्चे वहां खेलते हैं, औरतें वहां वॉक करती हैं, लेकिन बुधवार की शाम पार्क में टहलने गई एक महिला अपने पैरों पर वापस नहीं लौटी। पेशे से पत्रकार उस महिला पर पार्क में हो गया जानलेवा हमला। इस सच्ची घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना वही सन रह गया।
ये है अपर्णा कालरा। पेशे से पत्रकार अपर्णा इस समय दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बुधवार शाम कुछ गुमनाम हमलावरों ने इस महिला पत्रकार को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अपर्णा कालरा पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने घर के पास एक पार्क में वॉक कर रही थी। राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला। दरअसल अपर्णा कालरा नाम की महिला पत्रकार दिल्ली के अशोक विहार इलाके में ही रहती हैं और बुधवार की शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास वो डीडीए के इसी पार्क में वॉक करने के लिए आई थी। महिला पत्रकार अपर्णा कालरा को लहूलुहान करके हमलावर फरार हो गए। पार्क में मौजूद कुछ लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और अपर्णा को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस हमले की तफ्तीश शुरू कर दी है कि हम अपनी तरफ से हर एंगल से उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और अलग अलग टीमें हमने बनाई हैं ताकि जो जिन्होंने भी अटैक किया वो जल्द से जल्द पकड़े जाए। महिला पत्रकार पर हमले की गुत्थी सुलझाना फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। वारदात के वक्त हालांकि पार्क में कई लोग मौजूद थे लेकिन अभी तक एक भी चश्मदीद सामने नहीं आया है। पुलिस के लिए इस केस में महिला पत्रकार का बयान सबसे अहम है लेकिन आईसीयू में भर्ती अपर्णा कालरा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।